हेलो चिल्ड्रन, दिस इज अंजुम शेख, टीचर वर्किंग एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डूंडा, ब्लॉक धरसीवा, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, छत्तीसगढ़। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हैव यू एवर रिटन अबाउट योर जर्नी और विजिट समवेयर? आप कभी कहीं घूमने गए हों तो आपने उसके बारे में कहीं लिखा है? वहाँ पर जो आपने टाइम स्पेंड किया, एन्जॉयमेंट किया, उसके बारे में आपने कहीं पर कभी लिखने की कोशिश की है? नहीं की है तो अब से करिएगा। Why should we write diaries? हम कहीं जाते हैं और वहाँ जो एन्जॉयमेंट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बारे में यदि हम किसी डायरी में लिखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इट्स अ गुड हैबिट। तो बच्चों, आज हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ लेसन, लेसन 18, डियर डायरी। डायरी आपने देखी है? लुक एट द पिक्चर, दिस इज अ डायरी। डायरी जो वर्ड है बच्चों, वो डायरियम, डिराइव्ड फ्रॉम डाइज, यानी कि डे। हम प्रतिदिन, एवरी डे, जो भी हम करते हैं वो डायरी में नोट किया जाता है। दैट्स व्हाई डायरी शब्द जो है वो आया है। बच्चों, डायरी फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, अ रेगुलरली कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ द डायरीज एक्टिविटीज एंड रिफ्लेक्शंस। हम डायरी में प्रतिदिन के हमारी जो बातें होती हैं उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और ये ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग का एक फॉर्म है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। डियर डायरी, लास्ट मंथ आशा विजिटेड अ लॉट ऑफ प्लेसेस विथ हर पेरेंट्स। हेयर इज अ डिस्क्रिप्शन इन हर डायरी, यू वुड एंजॉय इट। पिछले महीने आशा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत जगहों पर घूमने गई। यहाँ उसकी डायरी में वर्णन है। आप सब इसका बहुत आनंद उठाएंगे, मजा लेंगे। 27 June 2004, अ वेरी बैड मॉर्निंग फॉर मी, फॉर आई हैड टू गेट अप वेरी अर्ली। मम्मी एंड डैडी डिडंट स्लीप ऑल थ्रू। 27 जून 2004 की बात है ये। एक बहुत बुरी सुबह, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ा। मम्मी और डैडी पूरी रात नहीं सो पाए। बच्चों, डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन होता है। दे वेर पैकिंग बैग्स एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर आवर जर्नी, बट टुडे आई फेल्ट दे आर वेरी पार्शियल। दे नेवर वेक अप बबलू, माई 3 years ओल्ड ब्रदर। दे से ही विल मैस अप थिंग्स। बच्चों, पार्शियल मीन्स होता है पक्षपात पूर्ण। वे बैग पैक कर रहे थे और सफर के लिए व्यवस्था कर रहे थे, बट टुडे आई फेल्ट दे आर वेरी पार्शियल। पर आज मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने पक्षपात किया है। क्यों? दे नेवर वेक अप बबलू, उन्होंने मेरे 3 साल के छोटे भाई बबलू को नहीं उठाया और कहा कि वो सामान जो है अस्त व्यस्त कर देगा। We started for Jagdalpur at 7 o'clock in the morning. We were going to my dadima's house. In the train, I slept for 2-3 hours. Both Bablu and I had a lot of fun. We ate, drank, sang, played, and did everything we could. Bablu made sure that mummy wouldn't take rest. We had a dinner in the train. हमने सवेरे 7 बजे जगदलपुर के लिए यात्रा प्रारंभ की। हम दादी माँ के घर जा रहे थे। ट्रेन में मैं 2-3 घंटे सो गई। बबलू और मैं, हम दोनों ने बहुत मज़ा किया। हमने खाया, पिया, गाया, खेला, और वो सभी कुछ किया जो हम कर सकते थे। बबलू ने मम्मी को आराम नहीं करने दिया और हमने अपना डिनर ट्रेन में लिया।
29th June 2004. Oh, what an experience it was of sleeping in the train. I felt as if I was sleeping in a swing. Early in the morning, at 6 o'clock, our train reached Jagdalpur. Anup uncle and Tina aunty had come to the railway station to receive us. बच्चों अब ये 29th जून के दिन की बात है, इसलिए हमने वहाँ जब भी हम डायरी लेखन करते हैं तो हम ऊपर में डेट लिखते हैं. ओ व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वाज ऑफ स्लीपिंग इन द ट्रेन. ट्रेन में सोने का बहुत ही अच्छा अनुभव था. मैंने महसूस किया कि मैं एक झूले में सो रही हूँ. जब हम ट्रेन में सोते हैं तो बच्चों हमें ऐसा ही लगता है. अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock और ट्रेन रिस्ड जगदलपुर. अर्ली मॉर्निंग लगभग 6 बजे हमारी ट्रेन जगदलपुर पहुंची. अनूप अंकल एंड टीना आंटी हैड कम टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव अस. अनूप अंकल और टीना आंटी हमें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे. दादी माँ वॉज वेटिंग फॉर अस एट होम. वी टुक सम रेस्ट. आई वेंट विथ माई अंकल टू द मार्केट. बबलू वॉज बिजी विथ दादी माँ. बच्चों बिजी यानी होता है व्यस्त. दादी माँ हमारे लिए घर में इंतज़ार कर रही थी. हम कुछ समय तक हमने आराम किया. मैं अपने अंकल के साथ मार्केट यानी कि बाज़ार गई और बबलू दादी माँ के साथ बिजी था. इन द इवनिंग एट अबाउट 7 o'clock वी वेंट टू विजिट द चित्रकूट वाटरफॉल. वी रीच्ड देयर एट 7:30. The waterfall was looking beautiful. The effect of lights added to its beauty. बच्चों waterfall यानी होता है जलप्रपात. In the evening at about 7 o'clock we went to visit the Chitrakoot waterfall. Look at the picture. चित्र में देखो बच्चों. शाम को लगभग 7 बजे हम चित्रकूट waterfall देखने गए. वी रीच्ड देयर एट 7:30. हम वहाँ 7:30 बजे पहुँचे. द वाटरफॉल वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल. वाटरफॉल बहुत ही सुंदर खूबसूरत दिख रहा था. द इफेक्ट ऑफ लाइट्स एडेड टू इट्स ब्यूटी. लाइट के इफेक्ट या प्रभाव से इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई थी. लुक एट द पिक्चर बच्चों. चित्र में देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है चित्रकूट वाटरफॉल. बबलू वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. ही वॉज सिंगिंग एंड क्लैपिंग एंड वॉज नॉट रेडी टू कम बैक. वी रिटर्न एट 10 o'clock एंड हैड अवर डिनर. क्लैपिंग यानी होता है बच्चों ताली बजाना. बबलू है वो इस दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति लग रहा था. वह गा रहा था, ताली बजा रहा था और वह वापस आने को तैयार नहीं था. We returned at 10 o'clock and had our dinner. Clapping यानी ताली बजाना होता है. हम अपने घर रात को वापस 10 बजे पहुँचे और हमने खाना खाया. 30 June 2004. I had to get up early in the morning. But later on, I enjoyed the day. दादी माँ made my favorite आलू पराठा. In the morning. At 9 o'clock, we started for Kanger Valley National Park. We took a taxi. My uncle made arrangements to cook food there. बच्चों देखिए आप नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान. कांगेर वैली नेशनल पार्क के यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जो आप देखिए बहुत खूबसूरत हैं. तो 30 जून 2004 के दिन जहाँ जहाँ वे लोग घूमे उसका डिस्क्रिप्शन इस पेज में है. आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मुझे बहुत सुबह उठना पड़ा. बट लेटर ऑन आई एन्जॉयड द डे. लेकिन उसके बाद मैंने पूरा दिन आनंद उठाया, मैंने एन्जॉय किया. दादी माँ ने मेरा पसंदीदा आलू पराठा बनाया. इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock वी स्टार्टेड फॉर कांगेर वैली नेशनल पार्क. और सवेरे लगभग 9 बजे हमने कांगेर वैली नेशनल पार्क के लिए यात्रा प्रारंभ की. वी टूक अ टैक्सी. हमने एक टैक्सी ली. माई अंकल मेड अरेंजमेंट्स टू कुक फूड देयर.
मेरे अंकल ने वहाँ पर खाना बनाने की व्यवस्था की। इन द नेशनल पार्क वी सॉ मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स लाइक चीता, नील गाय, डियर, वाइल्ड पिजन्स एंड पीकॉक्स एक्ट। सराउंडिंग्स मीन्स होता है बच्चों परिवेश। नेशनल पार्क में हमने बहुत सारे जंगली जानवर एक जंगली परिवेश में हमने उनको देखा, जैसे कि चीता, नील गाय, डियर, वाइल्ड पिजन्स यानी जंगली कबूतर और पीकॉक्स। आफ्टर लंच वी टुक रेस्ट एंड प्लेड हाइड एंड सीक, बैडमिंटन, अंताक्षरी एंड मेनी मोर गेम्स। वी ऑल्सो डांस्ड टू ट्यून्स ऑफ फिल्म सॉन्ग्स। वी टुक अ गाइड फ्रॉम कुटुमसर नाका चेक पोस्ट। वी सॉ द कुटुमसर कैब्स। हाइड एंड सीक यानी होता है बच्चों लुका छिपी का खेल, रेस टिप भी हम बोलते हैं जिसको। हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे, आप लोग भी खेलते हैं। आफ्टर लंच वी टुक रेस्ट, खाना खाने के बाद हमने आराम किया। एंड प्लेड हाइड एंड सीक, बैडमिंटन, अंताक्षरी एंड मेनी मोर गेम्स। और हमने वहाँ पर हाइड एंड सीक, बैडमिंटन, अंताक्षरी और बहुत सारे खेल खेले। वी ऑल्सो डांस्ड टू ट्यून्स ऑफ द फिल्म सॉन्ग्स, हमने फिल्मी गानों पर वहाँ पर डांस भी किया। वी टुक अ गाइड फ्रॉम कुटुमसर नाका चेक पोस्ट। कुटुमसर जाने के लिए, कुटुमसर नाका जो चेक पोस्ट है वहाँ से हमने एक गाइड किया। वी सॉ द कुटुमसर कैब्स और हम वहाँ से कुटुमसर कैब देखे। एज वी एंटर द कैब्स बबलू स्टार्टेड क्राइंग एज इट वॉज वेरी डार्क देयर। ही लॉस्ट हिज सैंडल्स देयर। द ह्यूज शिवलिंग एंड द वर्ल्ड फेमस ब्लाइंड फिशेस इन शंकर कुंड आर द अट्रैक्शंस फॉर द टूरिस्ट। टूरिस्ट यानी होता है बच्चों पर्यटक। सो एज वी एंटर द कैब्स, जैसे ही हमने उस कैब में प्रवेश किया, बबलू वहाँ रोने लगा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। ही लॉस्ट हिज सैंडल्स देयर, उसने अपनी सैंडल्स वहाँ घुमा दी। द ह्यूज शिवलिंग एंड द वर्ल्ड फेमस ब्लाइंड फिशेज इन शंकर कुंड आर द अट्रैक्शंस फॉर द टूरिस्ट। पर्यटकों के लिए वहाँ पर ब्लाइंड फिशेज और शंकर कुंड जो है ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र है। वी ऑल्सो सॉ द अप्सरा विहार। बबलू वॉज द बिजिएस्ट पर्सन रनिंग हियर एंड देयर विदाउट सैंडल्स। ऑल द टाइम ही वॉज होल्डिंग माई फ्रॉग एंड सेइंग दीदी हमें भी खिलाओ ना। ऑन आवर वे बैक वी एंजॉयड आइसक्रीम। आई वॉन्ट टू स्लीप। बिजिएस्ट यानी होता है बच्चों सबसे ज़्यादा व्यस्त, बहुत ज़्यादा व्यस्त। वी ऑल्सो सॉ द अप्सरा विहार, हमने अप्सरा विहार भी देखा। बबलू वॉज द बिजिएस्ट पर्सन रनिंग हियर एंड देयर विदाउट सैंडल्स। बबलू इस दुनिया का सबसे व्यस्त बच्चा हो गया और बिना सैंडल्स के वो इधर और उधर घूम रहा था। ऑल द टाइम ही वॉज होल्डिंग माई फ्रॉक एंड सेइंग दीदी हमें भी खिलाओ ना। पूरे समय वह मेरी फ्रॉक पकड़े हुए था और कहता था दीदी हमें भी खिलाओ ना। ऑन आवर वे बैक वी एंजॉयड आइसक्रीम, वापसी में घर लौटते समय हमने आइसक्रीम का आनंद लिया। आई वॉन्ट टू स्लीप, अब मैं सोना चाहती हूँ। जब हम घूमते हैं बच्चों तो थक जाते हैं तो उसके बाद हमको नींद आती है। अब 1 जुलाई 2004, ऑल ऑफ अस वोक अप इन द मॉर्निंग आफ्टर टेकिंग बाथ वी स्टार्टेड फॉर दंतेवाड़ा। वी एंजॉयड आवर जर्नी वेरी मच एज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रोड्स देयर वर बिग ट्रीज। अब 1 जुलाई का डिस्क्रिप्शन है, ऑल ऑफ अस वोक अप इन द मॉर्निंग, हम सब सवेरे सोकर उठे। आफ्टर टेकिंग बाथ वी स्टार्टेड फॉर दंतेवाड़ा, नहाने के पश्चात हम दंतेवाड़ा के लिए निकल पड़े। वी एंजॉयड आवर जर्नी वेरी मच एज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रोड्स
देयर वर बिग ट्रीज। हमने अपनी जर्नी का बहुत आनंद उठाया। वहाँ रोड के दोनों साइड बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष थे। ब्यूटिफुल हिल्स ऑफ बेलाडिला एंड द बस्तर ट्राइब्स इन देयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम एडेड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दैट रीजन। द क्लाइमेट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड प्लेजेंट। बच्चों, ट्राइब मीन्स होता है जनजाति, रीजन मीन्स क्षेत्र, और ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम यानी होता है पारंपरिक वेशभूषा। यहाँ पर हम वहाँ की जनजाति के बारे में बताते हैं। ब्यूटीफुल हिल्स ऑफ बेलाडिला एंड द बस्तर ट्राइब्स इन देयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम एडेड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दैट रीजन। बेलाडिला की खूबसूरत पहाड़ी और बस्तर जनजाति जो कि उनके पारंपरिक वेशभूषा में थे, ये दोनों उस क्षेत्र की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। द क्लाइमेट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड प्लेजेंट। वहाँ का जो क्लाइमेट था, मौसम था, वो ठंडा और खुशनुमा था। द दंतेश्वरी मास टेम्पल इज सिचुएटेड वेयर द टू रिवर्स शंकनी एंड डंकनी मीट। देयर आर थ्री बिल्डिंग्स इन द टेम्पल, द नाट्यमंडल, द सभागृह एंड द गर्भगृह। द दंतेश्वरी मास टेम्पल इज सिचुएटेड वेयर द टू रिवर्स शंकनी एंड डंकनी मीट। दंतेश्वरी माता की मंदिर जहाँ दो नदियों शंकनी और डंकनी का संगम होता है, वहाँ पर स्थित है। देयर आर थ्री बिल्डिंग्स इन द टेम्पल, द नाट्यमंडल, द सभागृह एंड द गर्भगृह। मंदिर में तीन बिल्डिंग थी, पहला द नाट्यमंडल, दूसरा सभागृह और तीसरा गर्भगृह। आफ्टर ऑफरिंग आवर प्रेयर्स वी रिटर्न टू जगदलपुर। ऑल ऑफ अस, अनूप अंकल, आंटी, दादी माँ, सुभाष अंकल, स्वाति 5 years एंड शानू 7 years, एन्जॉयड द जर्नी इन अ वैन। रियली वी एन्जॉयड अ लॉट। बच्चों, ऑफर प्रेयर्स मीन्स होता है प्रे टू गॉड, मतलब भगवान से प्रार्थना करना। तो आफ्टर ऑफरिंग और प्रेयर्स वी रिटर्न टू जगदलपुर। अपनी प्रार्थना भगवान से करने के पश्चात हम जगदलपुर के लिए निकल पड़े। ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, अनूप अंकल, आंटी जी, दादी माँ, सुभाष अंकल और स्वाति जो कि 5 years की है और शानू जो 7 years का है, हम सब ने वैन में यात्रा का आनंद उठाया। रियली वी एन्जॉयड अ लॉट, वास्तव में हमने बहुत एन्जॉय किया। 4th July 2004, इन द मॉर्निंग वी रिज्ड आवर मुन्नी मासीज हाउस एट डोंगरगढ़। ऑल थ्रू द वे आई स्लेप्ट इन द वैन। दे हैव अ ब्यूटिफुल गार्डन इन देयर हाउस। इन द गार्डन there is a swing and a pond, Akshat Munni Masi's son and Bablu became friends. They spent the whole day in the garden swinging and watching the fishes in the pond. Bachcho, swing yani hota hai jhula aur pond yani talab. To 4th July ko ye jahan jahan gaye wahan ka varnan hai। इन द मॉर्निंग वी रिज्ड आवर मुन्नी मासीज हाउस एट डोंगरगढ़। सवेरे हम सब डोंगरगढ़ में मेरी मुन्नी मौसी के घर पहुँचे। ऑल थ्रू द वे आई स्लेप्ट इन द वैन। पूरे समय वैन में मैं सोती रही। दे हैव अ ब्यूटिफुल गार्डन इन देयर हाउस। उनके घर में एक बहुत ही सुंदर गार्डन है। इन द गार्डन देयर इज अ स्विंग एंड अ पॉन्ड। गार्डन में एक झूला है और एक पॉन्ड यानी कि तालाब भी है। मुन्नी मासी सन एंड बबलू बिकेम फ्रेंड्स। मुन्नी मासी का बेटा अक्षत और बबलू दोनों दोस्त बन गए थे। दे स्पेंड द होल डे इन द गार्डन स्विंगिंग एंड वॉचिंग द फिशेस इन द पॉन्ड। उन्होंने पूरा दिन गार्डन में झूला झूलते हुए और पॉन्ड की मछलियों को देखते हुए बिताया। नाउ 5th July 2004। इन द मॉर्निंग
Again, we got up early and went to offer our prayers to Bamleshwari Mai. There are 1,000 steps. There is one more temple at the foot of the hill. It is called Choti Bamleshwari Ma. After the darshan at 9 o'clock, we returned from the temple. अब 5 जुलाई को फिर ये लोग दूसरे जगह गए. In the morning again, we got up early and went to offer our prayers to Bamleshwari Mai. अगले दिन सुबह फिर से हम सोकर उठे और हमने बमलेश्वरी माई के पास अपनी पूजा की. There are 1,000 steps. वहाँ 1,000 सीढ़ियाँ हैं. There is one more temple at the foot of the hill. वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर में एक और मंदिर है. It is called छोटी बमलेश्वरी माँ. इसे छोटी बमलेश्वरी माता का मंदिर कहते हैं. After the darshan at 9 o'clock, we returned from the temple. दर्शन करने के पश्चात लगभग 9 बजे हम मंदिर से वापस अपने घर के लिए निकले. In the afternoon, we went to Durg, to our Nani Ma's house. During dinner, all of us sat together. Bablu also wanted a plate. He went to kitchen and brought a plate for himself. In the afternoon, we went to Durg to our Nani Ma's house. दोपहर में हम दुर्ग में अपनी नानी माँ के घर गए. During dinner, all of us sat together. रात के भोजन के दौरान हम सब एक साथ बैठ गए. Bablu also wanted a plate. Bablu को भी एक प्लेट चाहिए थी. He went to kitchen and brought a plate for himself. वह किचन में गया और उसने अपने लिए एक प्लेट स्वयं ले ली. After dinner, we all sat together and talked for a long time. Bablu fell asleep while he was in Nani Ma's lap listening to everybody. I was very happy today. बच्चों, lap means होता है गोद. After dinner, रात के खाने के बाद, we all sat together and talked for a long time. रात के खाने के बाद हम सब एक साथ बैठ गए और आपस में बहुत लंबे समय तक बातचीत की. Bablu fell asleep while he was in Nani Ma's lap listening to everybody. Bablu जब नानी माँ की गोद में लेटे हुए सबकी बातें सुन रहा था तो वो सो गया. I was very happy today. आज मैं बहुत खुश हूँ. तो बच्चों, आपको कैसा लगा लेसन? Did you enjoy the lesson? आपको ऐसा लगा कि आपने कहीं आप जगदलपुर बेलाडीला विजिट करके आ गए हैं? ओके बच्चों, अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1, गिव द नेम्स ऑफ चिल्ड्रन मेंशन्ड इन द डायरी. डायरी में जिन बच्चों का नाम मेंशन किया गया है उन्हें लिखिए. आंसर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन मेंशन्ड इन द डायरी आर बबलू, स्वाति, सोनू एंड अक्षर. इज विच प्लेस डू यू थिंक बबलू लाइक्ड मोस्ट? शेयर इट विथ अ फ्रेंड और समवन एल्स. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप सब क्या सोचते हैं, बबलू को कौन सा स्थान ज़्यादा पसंद आया होगा? तो इसका आंसर आप खुद से बनाइए. डू इट yourself. What was there in the garden of Munni Masi? मुन्नी मासी के गार्डन में क्या था? There were a swing and a pond in the garden of मुन्नी मासी. वहाँ एक झूला और एक तालाब था मुन्नी मासी के गार्डन में. Next, pick out from the lesson 3 qualities to describe Bablu's nature. इस पार्ट से ऐसे 3 क्वालिटी हमें बबलू के नेचर की निकाल कर यहाँ लिखनी है. आंसर इज बबलू वॉज नॉटी, प्लेफुल एंड इनोसेंट. ओके बच्चों, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड आशा फील दैट हर पेरेंट्स वर पार्शियल? आशा को ऐसा क्यों लगा कि इसके माता पिता का पक्षपातपूर्ण रवैया था? आशा थॉट हर पेरेंट्स वर पार्शियल बिकॉज हर पेरेंट्स डिड नॉट वेक अप बबलू अर्ली ऑन द डे व्हेन दे वेयर टू स्टार्ट फॉर जगदलपुर एट 7 o'clock in the morning.
दे वोक अप आशा ओनली। आशा सोचती थी कि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया था क्योंकि उन्होंने बबलू को नहीं उठाया और आशा को ही उन्होंने उठाया सुबह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट द स्टेटमेंट इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको पिक्चर देखकर उसके बारे में एक लाइन में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल पहला जो है वो देखिए, यहाँ पर पिक्चर दिया है दलिया का। द दलिया इज टू हॉट टू ईट, दलिया इतना गर्म है कि हम उसे नहीं खा सकते। इसी तरह से बच्चों आप ये सेकेंड वाला बनाएंगे, ओके। नेक्स्ट, द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइम, माउंटेन जो है वो बहुत ऊंचा है चढ़ने के लिए। इसी तरह से आप नेक्स्ट वाला जो है वो आप बनाएंगे। द ओल्ड लेडी इज टू वीक टू वॉक, नेक्स्ट वाला आप इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो बच्चों अब एक होमवर्क क्वेश्चन है, विजिट एनी नियर बाई प्लेस लाइक हिस्टोरिकल प्लेस, मार्केट प्लेस, टेम्पल, मॉल, फॉरेस्ट, रेलवे स्टेशन, लाइब्रेरी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत, रिवर, कैनाल एंड राइट अबाउट इट इन योर डायरी। इन सब स्थानों में से किसी भी एक स्थान के बारे में विजिट करिए उस स्थान पर और एक डायरी में लिखिए। तो बच्चों होप आपको लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। गुड बाय, सी यू सून।